आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है टाइप्स ऑफ करंट अफेयर जिस तरह हमने बस की बात की है ना तो अगर हम लाहौर से अपना गुजरा वाला बाय बस जाते हैं तो मींस क्या है ट्रेवल के लिए हमें एक व्हीकल चाहिए अब टाइप ऑफ व्हीकल्स की बात होगी हम कार पे भी जा सकते हैं हम टैक्सी पे भी जा सकते हैं हम ऊबर पे भी जा सकते हैं हम मोटरसाइकिल पे भी जा सकते हैं हम पैदल भी जा सकते हैं हम मोटरसाइकिल पे भी जा सकते हैं हम ट्रक पे भी जा सकते हैं हम हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं तो हो क्या रहा है इट इज ए ट्रेवलिंग फ्रॉम गुजरा टू लाहौर मगर उसके मीन्स डिफरेंट हो गया आपने आपकी अपनी गाड़ी है आप लाहौर पहुंच गया एक ने उबर करा ली वो भी लाहौर पहुंच गया एक मोटरसाइकिल पे पहुंच गया काम एक ही है इसी तरह करंट अफेयर जो है काम एक ही है कि आपने एनालिसिस करना है मगर आप एनालिसिस किस तरह करते हैं दैट इज टाइप ऑफ प्रोग्राम वो आप किस टाइप का प्रोग्राम करते हैं मैं मोटी मोटी उसमें चीजें कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि आप करंट अफेयर जब प्रोड्यूसर सोचता है तो किस तरह बना सकते हैं मसलन करंट अफेयर ये हो सकता है कि मैं एक करंट अफेयर प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ ये पहली टाइप मैं बताने लगा हूं, ये में मिल जाएंगे टू इंटरव्यू करें कि मैं पाकिस्तान का एक प्रोग्राम बनाऊंगा गुजरा वाला मेरा चैनल है उसका नाम है गुजरा वाला टॉकिंग तो मैं उस दिन देखू करूंगा कि गुजरा वाले का सबसे बड़ा इशू क्या है मैं उस इशू का वो बंदा बुलाऊंगा और उससे इंटरव्यू करूंगा ये मेरा नाम होगा वन टू वन विद गुजरा वाला ये मेरा करंट अफेयर एक टाइप बन गई अब गुजरा वाला में डाके बड़े बढ़ गए बहुत ज्यादा ला लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू बन गया तो मैंने गुजरा वाले का जो एस एस पी है जो पुलिस हेड है उसको कहा जी मैं आपसे इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ उस पर मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ तो ये टाइप ऑफ प्रोग्राम क्या है बाजूकात हम खबरें पढ़े होते हैं ना तो खबरों के दरम्यान कोई खबर आ जाती है जिसपे डिस्कशन करनी पड़ती है तो हम खबर के दौरान ही जो बंदा खबर पा रहा होता है ना वो स्टूडियो में एक बंदा बुला लेता है मसलन पाकिस्तान ने मैच जीता है बहुत अच्छा मैच जीता है तो मैंने पुराना को प्लेयर है शाहिद अफरीदी है वसीम अक्रम है उसको स्टूडियो में बुला लिया तो मैंने उससे डिस्कशन स्टूडियो में कर ली उसको हम टू बोलते हैं एक तो वन टू वन इंटरव्यू है एक टू शॉर्ट हम बोलते हैं तो टू का मतलब है दो बंदे दे आर टॉकिंग टू ईच अदर तो दूसरा में बात कर रहा था टू शार्ट इन बुलेटिन अब इस तरह भी हम करंट अफेयर शो करते हैं पीपल टॉकिंग हम रोड पे चले जाए मेरे पास माइक है मैं जर्नलिस्ट हूँ मैं लोगों से पूछू मिसाल के तौर पर जिस तरह कल का ये इशू है आ, 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 अपना मैंने बताया पाकिस्तान की एयर लाइन पे पाबंदी लगी है तो मैं गुजरा वाले में ये ये करंट अफेयर है मैं एक दुकानदार से पूछूं कि भाई आपको पता है कि पी आई ए पे पाबंदी लग गई है आप इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं आप समझते हैं कि हुकूमत ने सही किया गलत किया अब लोगों का तजिया मैं बर रास् लेने लगा हूँ फिर वहां पे एक चौकीदार खड़ा था वहां पे एक लड़की शॉपिंग कर रही थी मैंने उससे पूछा मैं फिर उसके बाद आगे चला गया आगे वहां एक स्पाई इशारे पे खड़ा था मैंने कहा भी आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं तो ये है इसको हम रोड शो भी कहते हैं हम लोगों से राय ले लेते हैं इसमें कोई दानश्वर नहीं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं कोई स्टूडियो नहीं कोई लाइट नहीं एक होस्ट है उसने माइक पकड़ा है वो आप जी चला गया एंड ही इज डिस्कसिंग विद पीपल और पीपल कौन है जो भी मिल जाए ये भी हो सकता है मतलब मैं एक एजुकेशन पे एक बनाना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी कब खुलेगी तो एक तो है कि टॉक शो करूं मैं स्टूडियो में स्टूडेंट को बुलाऊं टीचर को बुलाऊं पेरेंट्स को बुलाऊं हुकूमत के किसी बंदे को बुलाऊं अब एक ये भी है कि मैं गुजरा वाले चला जाऊं किसी जगह शॉपिंग मॉल में चला जाऊं मुझे जो जो नौजवान लगे उनसे पूछू यार आप क्या समझते हैं यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए आपकी क्या राय है तो ये क्या होगा पीपल टॉकिंग <coughs> अब इसके अलावा हम डॉक्यूमेंट्री भी बनाते हैं डॉक्यूमेंट्रीज है अनदर टाइप के डॉक्यूमेंट्री में हम सारा कुछ मिक्स कर लेते हैं वो लंबी बात हो जाएगी डॉक्यूमेंट्री का मतलब का नुकसान नजर लिया लोगों का नुकसान नजर लिया पी आई ए का नुकता नजर लिया पायलट का नुकता नजर लिया जो स्टोरी है ना उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनकी राय लेके ना हमने एक सेंस डेवेलप की उससे कंक्लूजन निकाला एक रिजल्ट निकाला ये जो पाबंदी पा, हुकूमत ने बताया कि हमारे जैली पायलट है इसका पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ है या बहुत नुकसान हुआ यह बड़ी है यह बड़ी बड़ी है है बेवकूफ तो एक डॉक्यूमेंट हम दिखा सकते हैं अच्छा फिर आ, हम डिबेट्स भी कराते हैं करंट अफेयर में कभी कभी तुमने देखा होगा ये शाहिद क्या नाम है कामरान ये कभी कभी यूनिवर्सिटीज में चला जाता है यूनिवर्सिटी में तरह करता आप दरम्यान में बैठ जाता है इधर तीन प्रोफेसर बिठा लिए इधर तीन प्रोफेसर बिठा लिए और सामने हद नज़र स्टूडेंट ही स्टूडेंट एक डिबेट शुरू करा दी कि क्या पाकिस्तान में इंग्लिश होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि आप एक पॉइंट लेते हैं जिसके दो जावी होते हैं कुछ उसके मुखालिफ होते हैं कुछ उसके हाक में होते हैं जिसने ये डिबेट है कि शादी जो है लड़के अपना लड़की और लड़की की मर्जी से होनी चाहिए कि पेरेंट्स को करनी चाहिए ये डिबेट है कुछ लोगों का ख्याल है कि माँ बाप का एहतराम होना चाहिए माँ बाप के कहने से होनी चाहिए कुछ कहते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ मेरी उम्र है फैसला है, मेरा है जिंदगी मैंने पैंतीस साल गुजारनी है मेरी चॉइस होनी चाहिए ये डिबेट है तो आप इसको भी करंट अफेयर के नीचे ला सकते हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं